चलित बर्ष जो मैंने मंडी में धान देवा चाहते तो फाइनाल तर डेट आउ डेट तुम मैंने फर्म कर मैंने आप्लाय डेट और लास्ट डेट अलरेडी आसी सारे तो किभली ठीक भाव में तुम मैंने फर्म टी आप्लाय कर फर्म आप्लाय कर समय कौन कौन प्रति ध्यान दब और ठीक भाव में फर्म टी भर कौन कौन डॉक्यूमेंट्स सब लगे तो संपूर्ण विवरण आज भिडियो पाइपर तो एवं टाइम तुम्हें जापार थो कि धान मंडी आम जो रिसेंट गवर्नमेंट आमर जो मोदी गवर्नमेंट आसी तो सी कहीदे कि 3100 हम तो 3100 टाँग कौन धान क्विंटल पिछा हो तो से जहाँ भी अच्छे जमी अच्छी तो निहतर रूप से धान मंडी की जाए पंजीकरण कर दिखाँ अलरेडी आरंभ हो सारी आज संपूर्ण विवरण भिडियो पाइपारे तो भिडियो को जमा भी स्किप करूँ भिडियो को कम्प्लीट देखो चैनल नक चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ पैकेट बेल आइकन को क्लिक कर दिव चाहे दोनों भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पारे तो चलो डेन भिड स्टार्ट करवा तो भिड को बड़े पूर्व समस्त भिड को लाइक कर दिव चैनल न करते चैनल को सब्सक्राइब मत कर दिव चलो देखिए कौन रही तो देख यहाँ आज कौन ना खरीफ धान क्रय चाषी पंजीकरण धान संग्रह 2024-25 तो आम राज्य खरीफ धान संग्रह ता 1/11/2024 टू 31/1/2025 मध्य परिचालित होती अभिवृत्त मध्य जिला मान से फसल अमल समय को दृष्टि रखी खरीफ धान क्रय कार्य संपादन कर चाषी और से निकटस्थ अनुमोदन प्राथमिक कृषि सेवायत समिति फिक्स लैम्स महिला स्वयंसहायक गोष्ठी पणी पंचायत आगुआ पंजीकरण हाँ आवश्यक प्रति पंचायत आगुआ आवश्यक तो पंजीकरण प्रक्रिया कौन रही है तो चाषी पंजीकरण 15 जुलाई आरंभ हो 15 जुलाई खरीफ धान चाष करते चाषी मैंने चाषी पंजीकरण कार्य में भाग नहीं पारे विशद बरणी सह दरखास्त कर चाषी समिति में नूतन भाव पंजीकरण करें निहाती आवश्यक समस्त जीवी पुराणा करते आउ थे नुआ कराया पड़ो समस्त आग्रह चाषी निकटस्थ समिति गोटे नूतन पंजीकरण फर्म संग्रह करेंगे ता पूरण कर 15 जुलाई टू 16 अगस्त मध्य समिति कार्यालय आवेदन करेंगे करी विभाग वेबसाइट www.foododisha.in उपलब्ध नुआ फर्म समस्त व्यक्तिगत तथ्य सह चाष हुई तो जमीर विशद बरणी देवाक पड़ोर आवश्यक कागजपत्र कौन दरकार पड़ो तुमको जो डॉक्यूमेंट दरकार पंजीकरण में इच्छुक चाषी मैंने से पंजीकरण फर्म सहित निम्नलिखित कागज नकल दाखल कर आवश्यक बैंक पासबुक प्रथम पेज रोज जमी चाष बाबद प्रमाणपत्र अर्थात जमी पट्टर जो आर आर अच्छी जो उल्लेख तो सीट तुम डाउनलोड कर दे पार आधार कार्ड गोटे जेरक्स मोबाइल नंबर जब निज न था तो भरवर जहाँ भी तो चलो भाग चाषी होते कि संस्कृत जमी मालिक सह पत्र सहित आधार कार्ड नकल पत्र सहित गोटे डॉक्यूमेंट तुमको जब जी भी भाग चाषी अच्छा तो कह तुम डॉक्यूमेंट अटैच कर दे तो सहीटा को देखिए तुमने फिलअप आराम से कर पंजीकरण अवधि कौन रहा पंजीकरण फर्म पूरण पर चाषी मैंने समिति कार्य 16 अगस्त मध्य दाखल करेंगे निर्धारित समय जथेष पूर्व चाषी मान को समिति पूरण कर फर्म फिल दाखल करने का अनुरोध खरीफ धान संग्रह संक्रांत केस क्यों प्रकार धान बिक्रय करेंगे ता पंजीकरण फर्म उल्लेख करेंगे यही उद्देश्य चाषी मैंने विगत वर्ष क्यों समिति पंजीकरण होता सेठार संपर्क करा आवश्यक चाषी मैंने शेष तारीख अपेक्षा नक शीघ्र पंजीकरण समिति अनुमोदन फर्म दरखास्त कहटा तर भाग चाषी मैंने कौन करेंगे ना चाषी पंजीकरण प्रक्रिया आवश्यक कागज को दाखल कर अंशग्रहण करेंगे क्षुद्र मैंने भी करेंगे तब समितर दायित्व कौन रान बिक्रय इच्छुक समस्त चाषी मानक नूतन पंजीकरण फर्म प्रदान करेंगे से मैंने समिति कर्मकर्ता पंजीकरण फर्म तथा तथ्य तो ये तुमने जापार थे कि कौन कौन सब डॉक्यूमेंट लगे कौ टाइप कौ डेट जाए देवाक पड़ो तो ये मेन आसम टी कि सटीक भाव तुमने पूरण कर तो फर्म टी सब ओडिया लांगुएज कर तो जहाँ भी जो लांगुएज थी तो सही लांगुएज कर बट ओडिया मोस्ट प्रोबेबली फिलअप करा पड़े तुम ये तो ये देख चाषी रजिस्ट्रेशन फर्म यहाँ ओडिशा सरकार खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभाग रु फास्ट तुम जिला नाम पड़ो निज जिला नाम भर तहसिल नाम भर ब्लक सहरा जब तुम म्यूनिसीपाटी थोड़ा तो म्यूनिसीपाल दे तुम ब्लक थो तो ब्लक दब पंचायत वार्ड नंबर दब ग्राम पंचायत दब पिनकोड दब जाति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जी अनुसूचित जनजाति हो जो अन्न्य जेनेल एस सी सी तो ये अन्य नंबर भर धान मंडी आने संभावित समय तापर मसर नाम पक कौ डेट
ଡେଟ୍ରୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ତୁମମାନେ କେଉଁ ମାସକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସେଠି ଦେଇଦେବ ଏଇଟା ଡେଟ୍ ସେଠି ଦେଇଦେଇଥାଏ ଲେଖି ଦେଇଥାଏ ପକ୍ଷକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ କେଉଁ ପକ୍ଷ ତୁମେ ଅଛ ତ ସେଇ ପକ୍ଷଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରିବ ନାମ ଦେବ ସମ୍ପର୍କରେ ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ରହିବ ପରିବାର ସହ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇବ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ପକେଇବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେଠି ତାପରେ ଭରିବ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଅଛି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ପକେଇବ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଭରିବ ଶାଖା ନାମ ତୁମେ ଦେବ ଜମି ଖାତାର ନକଲ ଦେବ ଖାତା ନମ୍ବର ପକେଇବ IFSC କୋଡ଼ ପକେଇବ ତାପରେ ହେଉଛି KMS ବର୍ଷ ବା କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଛି ତ ସେଇ ବର୍ଷ ପକେଇବ ଋତୁ ଖରିଫ ଋତୁ ରବିରେ କିଛି ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବ ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଦେବ ମହିଳା ଥିଲେ ମହିଳା ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଦେବ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ ସେଇଟା କରିବ ନହେଲେ ସେଠି ଗଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କରିଦେବ ଲେଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜ୍ୟୁମର ବା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଏଠି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ତୁମ କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବରଟା ପକେଇଦେଲେ ଚଳିବ ତ ଏଠି ସରିଗଲା ଏଠି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଲା ମେନ୍ କଥା ଚାଷ ଦେଇଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ ଯେଉଁ ତୁମେ ନାକି ଯେଉଁ RRRକୁ ଯେଉଁ ତୁମ ଧାନ ଯେଉଁ ପଟା ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେବ ତୁ ଆଟାଚ୍ କରିବୁ ତ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଦେବ ଏଠି ତହସିଲ ଦେବ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ କେଉଁଟା ଥିବ ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାମର ଅଛି ଥିବ ଖାତା ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ତା ଦେହରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଦେବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିବ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ସହମତି ପତ୍ର ଆଣିଛୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଦେବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବ ହେଲା ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବ ଜମି ପଟା ଅନୁଯାୟୀ ଏକରରେ ଥିବ ପଟା ଅନୁଯାୟୀ ବା ଚାଷ ହୋଇଥିବ କେତେ ଦେବ କିସ୍ମତ କେତେ ଅଛି ଦେବ ସେଠି କିସ୍ମତ ସେଠି କିସମ ଦେବ କେତେ କ'ଣ ତା'ପରେ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ କୁନାଲ କେନାଲ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଥିବ ଲିଫ୍ଟ ତ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେମିତି କର ଯାହାର ବି ଯେତେଟା ପଟା ଅଛି ତ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯଦି ତିନିଟାରେ ଅଧିକା ଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ତୁମର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରା ଦେଇଥିବ ଜମି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କରିକି ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ହେଲେ ତୁମ ସରିଗଲା ତ ଏଠି ତୁମର ଦିଆହେଇଛି କେତେ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବି ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଜରୁରୀ କାଗଜ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏଇଟା ଦିଆହେବ ତା'ପରେ ଯଦି ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ ଯଦି ବୋରେଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ବିଲ୍ ନକଲ କରିବ ଚାଷୀଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେବ ଏତିକି ଦେଇକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଫୋନ୍ ପେଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜମିରେ ଯେଉଁ ପଟା ରହିଛି ହେଲା ତ ପଟାର ଯେତିକି ସବୁ ଜମି ପଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେତିକି ସବୁ ପଟା ଅଛି ତ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଇକି ସାଥିରେ ନେଇ ପଡ଼ିବ ତତେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ୱିଦିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଟା ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଚାହିଁ ଜାଣିବ କି ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।